नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। पूर्व विधायक व यात्रा संयोजक लक्ष्मण तिवारी आज नई गढ़ी के विश्राम गृह में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए गोबर प्लांट और विंध्य प्रदेश के मुद्दों को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि बेसहारा गौवंश न सिर्फ विंध्य बल्कि पूरे राज्य व देश के लिए परेशानी का पर्याय बने हुए हैं, जिनकी वजह से स्थानीय सड़कों से लेकर तमाम राष्ट्रीय राजमार्गों तक बेजुबान कटकर मर रहे हैं तथा होने वाले सड़क हादसों में आमजनों को भी जान गंवानी पड़ती है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य की तरह मध्य प्रदेश सरकार भी आमजनों और पशुपालकों से 5 रुपये किलो गोबर खरीद कर उससे उपयोगी सामग्री तैयार करे तो निश्चित रूप से आमदनी होने से लोग अपने पशुओं को घर में बांध कर रखेंगे, जिससे सड़क हादसों में कमी होगी। वहीं किसानों की फसल बोनी का रकबा बढ़ेगा, लेकिन अफसोस है कि सरकार इस मुद्दे पर मौन है। पूर्व विधायक श्री तिवारी ने जनहित में कहा कि ये मामला सिर्फ लक्ष्मण तिवारी जैसे चंद लोगों का नहीं, बल्कि यह मुद्दा तमाम निवासियों और उनकी भावी पीढ़ी के लिए जीवनदायी साबित होगा। उन्होंने बढ़ती महंगाई के बारे में भी कहा कि दैनिक उपयोग की समस्त वस्तुओं के दामों में बेतहाशा वृद्धि होने के कारण आमजनों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और विंध्य प्रदेश के युवा बेरोजगार रोजगार की तलाश में दूर देश जाकर परिवार के भरण पोषण की व्यवस्था करते हैं, तो गोबर प्लांट बनने से रोजगार की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा। सम्मानी नई गढ़ी अंचल के इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के मेरे अजीज मित्रों, आज अष्टभुजा के धरती पर जन अस्मिता यात्रा की एक प्रेस वार्ता आयोजित है। निश्चित ये सवाल आता है कि विंध्य प्रदेश बनना आवश्यक क्यों, गोबर प्लांट लगाना आवश्यक क्यों, सैनिक आयोग बनाना आवश्यक क्यों और नौजवान बेरोजगारों को काम दिलाना आवश्यक क्यों, एक प्रश्न है। सन 56 के बाद लगातार साजिश के तहत, चापलूसी के तहत या अदूरदृष्टता के कारण हमारे उन नेताओं ने तबके जब विंध्य प्रदेश के पतन का कारण बने, मैं आज उस पर नहीं जाना चाहता हूं, पर विंध्य प्रदेश बनने से क्या क्या फायदे होंगे, विंध्य प्रदेश बनने से जन जन का लाभ क्या होगा, विंध्य प्रदेश बनने से हमारा स्वतंत्र, हमारी एजेंसियां होगी, स्वतंत्र मंत्रालय होगा, हमारे प्रदेश और हमारे समुदाय में से किसी के वर्ग का एक मुख्यमंत्री होगा और निश्चित रूप से उसकी सरकार होगी, तब यहाँ राज्य के सभी प्रधान कार्यालय स्थापित होंगे और हमारी जितने भी औद्योगिक इकाइयाँ हैं, सिंगरौली से लेकर, शहडोल से लेकर, खनिज संपदा से लेकर, वन संपदा से लेकर, हीरा और जवाहरात से लेकर, अब यहाँ तक कि सिंगरौली में सोने का भी भंडार खोजने में पता चला है, और 100 वर्षों तक अगर हम राज्य चलाने के लिए रेवेन्यू की बात करें तो अकेले हमारा सिंगरौली अंचल ही 100 वर्षों तक विंध्य प्रदेश चला सकता है। और जब प्रधान कार्यालय बनेंगे तो हमारा हाई कोर्ट भी बनेगा, हमारा रेवेन्यू का भी बड़ा भारी जो कोर्ट बनेगा, हमारा अगर राज्य बनता है तो नौजवानों को काम स्थानीय स्तर पर मिलेगा। इन तमाम बातों के लिए विंध्य प्रदेश जरूरी है। गोबर प्लांट लगाने से तहसील बाद 5 रुपये किलो गोबर अगर खरीदी जाएगा, सरकार खरीदेगी, प्लांट लगेगा, तो 1490 लोगों को रोजगार तहसील स्तर पर अकेले मिलेंगे, क्योंकि उसमें अलग अलग रोजगार के सृजन होंगे। हम गोबर खरीदेंगे तो उसमें चरवाहा का भी काम है, टेक्निकल भी काम है, ड्राइवर का भी काम है, गाड़ी का भी काम है, बाबू का भी काम है, डॉक्टर का भी काम है, इंजीनियर का भी काम है, और यहाँ तक कि ऑफिस के बियरर के तमाम लोगों का काम है। और इस तरह से हमारा अगरबत्ती बनेगा, हमारा पेंट बनेगा, हमारा डिस्टेंपर बनेगा, हमारी फाइलें बनेगी, हमारा जैविक खाद बनेगा, हमारा तमाम तरह से ये बहुत उपयोगी चीजें बनेगी। और जब 9 तरह की फैक्ट्रियां तहसील भारत स्थापित होंगी तो 1490 लोगों को रोजगार सृजन होगा, इससे हम आत्मनिर्भर बनेंगे। मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा कि हमारे यहाँ के नेता बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, बिंद की बातें भी करते हैं, और हमारे लड़ाइयों के कारण, हमारे गुहार के कारण बहुत सारे लोगों को पद भी मिला है। एहसास करे कोई ना करे, मैं उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता हूं, परंतु विंध्य प्रदेश के गठन में ये जो मौनी बाबा बने हुए हैं, चाहे यहाँ के सांसद हों, चाहे यहाँ के विधायकगण हों, चाहे यहाँ के मंत्रीगण हों, चाहे और किसी अन्य पद में आसीन हो, ये बोल नहीं रहे हैं।
अब बोलते भी हैं तो बोलते हैं वो ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, सलाह बांट रहे हैं। सलाह क्यों बांटते हो भाई, आओ आप भी तो बिंद प्रदेश के हो, अगुवाई करो। लक्ष्मण तिवारी सबसे पीछे के कतार में खड़े होने के लिए तैयार है, किसी को भी नेता मानने के लिए तैयार है, बशर्ते ईमानदारी से आप इस पूरे पवित्रता के साथ, आप इस लगन के साथ बिंद प्रदेश की लड़ाई में अगुवाई करें। मैं आप सबको नई गढ़ी की धरती पर इसलिए आज पेशकश पेश कर रहा हूं कि आगामी 15 नवंबर को दोपहर 1 बजे नई गढ़ी में एक जन अस्मिता यात्रा की सभा होने जा रही है। ये हमारी तीसरी सभा होगी, जन जागरूकता सभा होगी। हम पूरे बिंद प्रदेश के दौरे अभी तक 2790 किलोमीटर हमने यात्राएं की, 390-395 के करीब हमने आम सभा की, इसमें हमने गोष्ठियां की, 400 जगह जगह हम पहुंचे हैं। आज ये जन जन के पढ़े लिखे लोगों पर भी, बिना पढ़े लिखे लोगों के भी बीच चर्चा है कि बिंद प्रदेश बनाने के लिए लक्ष्मण तिवारी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं 3 साल से लड़ाई लड़ रहा हूं, अब मुझे पता लगता है कि हमारे और कुछ साथी इसमें कूद रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। मैं सबका स्वागत करता हूं, जो बिंद की बात करेगा वही बिंद में राज करेगा, ये हमारा नारा है। मगर हमारा नारा ये भी है कि बेसहारा पशु परेशान किसान, गोबर प्लांट ही एक निदान। अगर ये गोबर प्लांट लगता है, जिसको केंद्र के माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने भी स्वीकार किया है कि गोबर प्लांट लगाने से जन जन को रोजगार मिलेगा, स्वावलंबिता आएगी, रोजगार के साधन सृजन होंगे। और यहाँ छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री बघेल जी को मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस प्रथा को लागू करके 3 रुपए किलो छत्तीसगढ़ में गोबर खरीदी प्रारंभ हो गया है। अगर मध्य प्रदेश की सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि अगर आप गोबर खरीदी यहाँ करोगे तो जन जन को रोजगार अपने गांव में मिलेगा, अपने इलाके में मिलेगा, अब बुढ़ापे के सहारा बनकर अपने तमाम बुड्ढों के लिए। अगर मान लीजिए आकस्मिक किसी का निधन हो गया और वो गुजरात में है, बंबई में है, कलकत्ता में है, हिमाचल में है, तो यहाँ कोई इतना साधन तो है नहीं, तो अंतिम क्षणों पर अपने पिताजी का, माताजी का मुंह भी नहीं देख पाता, अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हो पाता, ऐसी दुर्दशा रुक जाएगी और हम धीरे धीरे प्रगति की ओर बढ़ेंगे। बहुत सारे मुद्दे हैं, सैनिकों का मुद्दा है, ये सारी बातें 15 नवंबर को विस्तार से हम नई गढ़ी की आम सभा में करेंगे। इसी सिलसिले में आज आप सबको प्रेस के लिए बुलाया हूँ, आपकी तरफ से कोई मैं अभी तक की यात्रा में रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, पन्ना, यहाँ तक मेरी यात्रा पहुंची थी। कटनी का भी कुछ भाग हमने लिया है, क्योंकि जहाँ रिश्तेदारियाँ, बोली भाषा एक हो और जहाँ से हिस्सा निकट हो, तो अभी हमारी कल से यात्रा पन्ना, छतरपुर और टीकमगढ़ तक जा रही है। और मैं कल सुबह 8 बजे रीवा से प्रस्थान करूँगा, 12 बजे मेरा पन्ना में प्रेस है, और इसके बाद मैं पन्ना में कार्यकर्ताओं को, जो भी थोड़ा बहुत है, अभी कार्यकर्ता मेरे वहाँ बहुत अधिक नहीं है, सवर्ण समाज पार्टी वाले कार्यकर्ता और जनशक्ति वाले कार्यकर्ता वही मेरे बेस हैं अभी, तो ये सबको मिलाकर जो मैंने शुरुआत की है। तो कल मेरा 11 बजे पन्ना में कार्यकर्ता बैठक है, 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और फिर 3 बजे मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है छतरपुर में, और 4 बजे कार्यकर्ता बैठक है, जितने भी कार्यकर्ता मिल जाएंगे। इस तरह से अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि जो पुराना बिंद प्रदेश था उसके तह तक जाऊंगा, और थोड़ा बहुत घटाना बढ़ाना जो होगा वो बात का विषय है। वर्तमान दौर में बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया, खुल गया, खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।